हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी चैप्टर सेवन मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी कैन मेजर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अवर बॉडी पार्ट्स लाइक फर्स्ट वन इज फिंगर हम फिंगर से भी मेजर कर सकते हैं किसी की भी लेंथ फिर सेकंड वन इज हैंड स्पैन सेकंड में आपको हैंड दिख रहा है ना तो हम हैंड से भी किसी भी चीज की लेंथ मेजर कर सकते हैं थर्ड वन इज क्यूबिट क्यूबिट मीन्स आपके हैंड से लेकर एल्बो तक का एरिया वहां उस उससे भी हम जब लेंथ मेजर uh, करते हैं तो उसको क्यूबिट बोलते हैं फिर फुट स्पैन फुट स्पैन से भी मेजर करते हैं बहुत सी चीजों की लेंथ लाइक रूम एंड ऑल देन लास्ट वन इज पेस पेस इज इक्वल टू आपका वन स्टेप आपका एक कदम मतलब आपका वन पेस ठीक है तो हम कदम कदम रखकर भी बहुत सी चीजें मेजर करते हैं लाइक रूम रूम का लेंथ आपके बेडरूम का लेंथ uh, कैसे मेजर करते हैं कितने पेस का है तो एक कदम वन पेस ओके वन स्टेप इज इक्वल टू वन पेस देन नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ नाउ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर मीटर को हम कैसे लिखते हैं एम नॉन अभी ये वाला आप पैरा पढ़ेंगे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में क्या होता है हमेशा डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन किसी का क्यूबिट कितना बड़ा है और किसी का कितना छोटा है ठीक है तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई लेंथ के लिए दैट इज मीटर मीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट एज इट गिव सेम रिजल्ट एवरी टाइम मीटर से जब भी हम मेजर uh, करेंगे लेंथ को तो रिजल्ट एवरी टाइम सेम ही आएगा फिर मेजरिंग टेप से भी हम लोग मेजर uh, करते हैं लेंथ को और मीटर रॉड से भी करते हैं स्केल भी होता है हमारे पास ठीक है तो ये सब चीजें हम लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं ठीक है मीटर रॉड क्लोथ मर्चेंट्स यूज करते हैं ठीक है और मीटर रॉड कैसा होता है वुड और स्टील का बना हुआ होता है ओके मीटर रॉड इज मेड ऑफ वुड और स्टील इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर लेंथ इट इज जनरली यूज बाय क्लोथ मर्चेंट्स फॉर मेजरिंग क्लोथ क्लोथ को हम मेजर करने के लिए मीटर रॉड का यूज करते हैं ठीक है ओके okay. सो so, ये हो गया स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर इतना आपको याद रखना है योर क्रिकेट बैट इज अबाउट वन मीटर लॉन्ग द लेंथ ऑफ योर डेस्क इज अबाउट वन मीटर द लेंथ ऑफ योर बेड इज अबाउट टू मीटर स्मॉल लेंथ्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर स्मॉल लेंथ्स को हम सेंटीमीटर में यूज मेजर uh, करते हैं देयर आर हंड्रेड सेंटीमीटर इन वन मीटर हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं वन मीटर में वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर इन शॉर्ट सेंटीमीटर इज रिटन एज सी एम सेंटीमीटर को शॉर्ट में सी एम लिखते हैं द वि ऑफ योर शार्पनर इज अबाउट वन सेंटीमीटर शार्पनर आपका कितना लेंथ का होता है वन सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ न्यू पेंसिल एज अबाउट फिफ्टीन सेंटीमीटर द स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स इज फिफ्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग अ स्केल एज नंबर फ्रॉम जीरो टू फिफ्टीन आपके स्केल में जीरो टू फिफ्टीन नंबर होते हैं द लेंथ बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज वन सेंटीमीटर स्केल से आप 15 सेंटीमीटर तक लेंथ मेजर कर सकते हो ठीक है लार्ज डिस्टेंसेज लाइक डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। जो लार्ज डिस्टेंसेज होते हैं उसको हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं जैसे कि टू सिटीज के बीच में जो भी डिस्टेंस हो वन किलोमीटर इको थाउजेंड मीटर वन किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं थाउजेंड मीटर होते हैं ओके ये लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है नाउ मेजरिंग लेंथ यूजिंग अ सेंटीमीटर स्केल लुक एट योर स्केल और रूलर दिस इज अ सेंटीमीटर स्केल ये फिफ्टीन सेंटीमीटर तक कोई भी लेंथ मेजर कर सकता है ठीक है आप इससे पेंसिल रबर इन सब चीजों की लेंथ को मेजर कर सकते हो ओके लेटेस्ट मेजर दी लेंथ ऑफ दिस इरेजर यूजिंग अ स्केल आप यूज करो इरेजर की लेंथ ओके मेजर करो समाइम्स वी कैन एस्टिमेट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिंपली बाय लुकिंग एट इट इन सच केसेस वी राइट अप्रोक्सीमेटली और अबाउट कभी कभी हम किसी चीज को देखकर ही बता देते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी तो ऐसे केसेस में हम उसके आगे अप्रोक्सीमेटली और अबाउट का यूज करते हैं जैसे कि बैट इज अबाउट सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर हम किसी भी चीज की लेंथ को एज्यूम करते हैं तो उसके आगे या उसके आगे अप्रोक्सीमेटली और अबाउट का यूज करते हैं क्योंकि हमने उसे प्रॉपर स्केल या किसी मेजरिंग टेप से मेजर नहीं किया है बस ऐसे ही देख बता दिया है तो हम Approximately और about लिखते हैं ओके Now मेजरमेंट ऑफ वेट हम वेट को कैसे मेजर करते हैं ग्राम में मेजर करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेट की क्या होती है ग्राम होती है ठीक है जो हैवी objects होते हैं उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं और आपको ये याद रखना है वन किलोग्राम इज इक्वल टू थाउजेंड ग्राम्स ओके नाउ टूल्स फॉर मेजरिंग वेट टूल्स क्या क्या होते हैं वेट मेजर करने के लिए तो पहला टूल है वेगिंग मशीन इसमें डिजिटली आता है वेट ओके ये आपने देखा ही होगा मार्केट में फिर होता है बीम बैलेंस बीम बैलेंस में दोनों साइड इक्वल वेट करना होता है एंड इन द स्प्रिंग बैलेंस वी सस्पेंड द ऑब्जेक्ट्स इन दी हुक टू मेजर इट्स वेट ओके सो ये थ्री टूल्स हैं वेट मेजर करने के लिए नाउ ये इंपॉर्टेंट टिप्स पढ़ो द स्केल्स आर बैलेंस्ड व्हेन वेट्स ऑन बोथ साइड्स आर दी सेम जब दोनों साइड वेट सेम हो जाएगा तो नाउ वेगिंग बैलेंस हैज टू पैन्स टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी प्लेस ऑब्जेक्ट इन वन पैन एंड ऑन द अदर पैन वेट्स आर प्लेस वेट प्लेस करते हैं दूसरी तरफ एंड एक साइड जो भी हमें ऑब्जेक्ट लेना हो वो फिर जब तक दोनों साइड वेट सेम नहीं हो जाता तब तक वो वेट मेजर नहीं हो नाउ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी जो क्वांटिटी कंटेनर होल्ड कर सकता है जिस जितना वो रख सकता है कंटेनर वही उसकी कैपेसिटी होती है वी कैन एस्टिमेट कैपेसिटी ऑफ अ वेसल और कंटेनर बाय लुकिंग एट इट्स साइज एंड शेप हम किसी भी ऑब्जेक्ट कंटेनर के साइज और शेप को देखकर बता सकते हैं कि इसमें कितना पानी आएगा इसमें कितना मिल्क आएगा ओके Now सी the three uh, boxes. The capacity of the glass is less than bottle. Uh, आपको पता ही है जो कैपेसिटी ग्लास की है वो bottle से कम है ठीक है वॉटर को होल्ड करने की नाउ सेकेंड द कैपेसिटी ऑफ the जग इज लेस देन बकेट जग की कैपेसिटी बकेट से कम है द कैपेसिटी ऑफ बोथ दॉटल इज द सेम अब दोनों बॉटल सेम है तो दोनों की कैपेसिटी होल्ड करने की वाटर और मिल्क जो भी है उसको सेम है ठीक है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर कैपेसिटी को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट लीटर होती है इन शॉर्ट वी राइट लीटर एज एल द कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल इज अबाउट वन लीटर जो नॉर्मल बॉटल होती है उसकी कैपेसिटी uh, कितनी होती है वन लीटर ओके द कैपेसिटी ऑफ दिस बकेट इज अबाउट फिफ्टीन लीटर अभी बकेट को देखकर पता चल जाएगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है फिफ्टीन लीटर नाउ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड आर मेजर्ड इन मिली लीटर्स जो स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं लिक्विड की उसको हम एम एल मिली लीटर्स में मेजर करते हैं जैसे कि अ स्पून कैन होल्ड फाइव एम एल ऑफ मेडिसिन द कैपेसिटी ऑफ अ स्मॉल बाउल इज अबाउट 200 हंड्रेड एम एल ठीक है स्मॉल बाउल में 200 हंड्रेड एम एल आता है जो मेडिसिन वाली स्पून होती है उसमें समथिंग एम एल में आता है मेडिसिन ठीक है तो स्मॉल क्वांटिटीज को हम एम एल मीन्स मिली लीटर में मेजर करते हैं ओके नाउ इट इज कम्पलीटेड